जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ जय जगन्नाथ। ओडिशा प्रिय भाई व भावणी, मान को मोर नमस्कार सानाम कगे, सानाम कगे जोहार। नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भाषण ही उनका शासन है? दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, इस साल को गुजरे 5 दिन हो चुके हैं और इन 5 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों में रैली कर चुके हैं। पंजाब में कर चुके हैं, झारखंड, उड़ीसा में हमने उनका जलवा देखा। और क्या आप जानते हैं कि बारीपाड़ा में जो ये रैली हुई, यहां पर बाकायदा बालासोर, क्योंझर, भद्रक और मयूरभंज से बाकायदा लोगों को बसेस में भर भर कर लाया गया। आप ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहले देखिए किस तरह से इन प्राइवेट बसेस में लोगों को, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, एक तरह से एक के बाद एक कतार लगी हुई है इन बसेस की। इन प्राइवेट बसेस में लोगों को भर के लाया गया है। अब आप इन एसयूवीज को देखिए, इन एसयूवीज में भी, बड़ी गाड़ियों में भी लोगों को भर के लाया गया है। अब आप देखिए किस तरह से इस पेट्रोल पंप में मोटरसाइकिल्स की कतार लगी हुई है। क्या आप जानते हैं कि इन लोगों को 70 रुपए से 100 रुपए दिए गए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, ताकि वो आए और प्रधानमंत्री की रैली अटेंड करें? देखिए, सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कम से कम 5 से 10 करोड़ का खर्चा आता है उनकी हर रैली में, और 10 करोड़ कम से कम का आंकड़ा बताया जा रहा है। अगर बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में रैली हो तो खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने क्यों कहा आपसे शुरू में कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण ही उनका शासन है, क्योंकि अभी तो चुनावी कैंपेनिंग शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो चुनावी मौसम शुरू ही नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री ने शुरू से ही रैलीज करनी शुरू कर दी। क्या मेरे पैसे की, क्या देश की जनता के पैसे की यह कीमत है? और क्या आपको इस बात का आभास है कि आपके पैसे को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है? मैं आपको बताता हूं कि हाल ही में जब 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उसके अगले ही दिन वो रायबरेली दिखाई दे गए। और रायबरेली में चूंकि वो एक आधिकारिक, एक सरकारी कार्यक्रम में थे, अब वहां पर भी पूरे जो उनके तेवर थे चुनाव भरे थे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, प्रधानमंत्री, आपका बुनियादी काम है वो है गवर्नेंस, आपका बुनियादी काम है देश का प्रधानमंत्री, मगर आप लगातार चुनावी कैंपेनिंग में ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी 70 से 80% काम जो है, वक्त जो है, वो चुनावी कैंपेनिंग में जाता है। और चलिए मान भी लिया जाए कि आपको भाषण देना पसंद है, आप हमेशा चुनावी कैंपेनिंग में रहते हैं, एक्टिव कैंपेनिंग में रहते हैं, मगर मेरा अब आपसे एक सवाल। अब मैं आपके सामने स्क्रीन में ये पर्चा देना चाहूंगा, ये एक सरकारी पर्चा है, पलामू झारखंड में रैली से पहले जारी किया गया ये सरकारी फरमान। आप देख सकते हैं बाकायदा इसमें सरकारी फरमान जारी किया गया है कि जो लोग रैली में आए वो काली स्वेटर ना पहने, काली शर्ट ना पहने, काली पैंट ना पहने, काला मोजा ना पहने, काला साफा ना पहने। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई अपना मोजा निकालकर या अपना स्वेटर निकालकर उसे काला झंडा बना दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काला झंडा दिखाए। यहां 2 दिक्कतें। पहली दिक्कत है, अब कोई बेचारा काली चड्डी पहन के आएगा तो क्या करेंगे आप उसको? और काला मोजा, मोजे पर भी रोक, यानी कि लोग अपने मोजे को भी जो है वो झंडे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और सवाल ये नहीं है मोदी जी, सवाल ये है कि आपको 4.5 साल हुए हैं, क्या जनता में आपका इतना सा भी एतबार नहीं रहा कि अब आपकी रैलीज में लोगों को काला पहनने से रोका जा रहा है? क्योंकि आपने तो दावा किया था
कि मैं ना यहां आया हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। आप इस देश की जनता के साथ आध्यात्मिक संबंध होने की बात करते हैं। आपके जो समर्थक हैं वो कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे हर हर महादेव कहा जाता है, हर हर मोदी कब से हो गए? तो जब एक शख्स को ईश्वर से ऊपर का दर्जा दिया जाता है तो उसकी रैलीज में काला रोकने से दिक्कत क्या है? और देखिए, मुझे लगता है इसमें एक किस्म की ज्यादती है, क्योंकि देखिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे अमीर पार्टी है और देश की नहीं दुनिया की अमीरतम पार्टियों में है। उसके पास जो रिसोर्सेज है किसी के पास नहीं है। इस वक्त मीडिया उनके कब्जे में है, सारा मीडिया जो प्रोपेगेंडा दिखाता है उनके कब्जे में, उनके पक्ष में दिखाता है। आज भी हमारा जो टेलीविजन मीडिया है, न्यूज चैनल्स हैं, वो आज भी विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। आज भी जय जय मोदी, हर हर मोदी हर चैनल पर आपको दिखाई देता है। तो हर तरफ आप देख रहे हैं, चाहे रैलीज की बात हो, रैलीज में सरकारी पैसा खर्च करने की बात हो, या फिर टीवी स्टूडियोज की बात हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल है। और मुझे लगता है कि यह ज्यादती है प्रजातंत्र के अंदर, यह बहुत बड़ी ज्यादती है। और मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो फिर मुकाबला किस तरह से सही होगा? क्योंकि दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने शातिर सोच के राजनेता हैं कि चुनावों के दौरान भी क्या होता है, जब 5 या 6 चरणों में चुनाव हो रहे होते हैं और जब मान लीजिए कि दूसरे चरण का चुनाव जब है उसकी वोटिंग हो रही है, तो वो एक ऐसी जगह से रैली करते हैं जहां तीसरे चरण का चुनाव हो, और वो रैली जो है पूरे देश में दिखाई जाती है टेलीविजन के माध्यम से, वहां पर भी दिखाई जाती है जहां दूसरे चरण की मतदान हो रही है। यानी कि वहां की जनता भी इन्फ्लुएंस हो जाएगी, वहां की जनता पर भी असर पड़ेगा। मगर क्या यह सवाल चुनाव आयोग कभी प्रधानमंत्री से करता है? नहीं करता है, कभी नहीं करता है। तो मैं हर मोर्चे पर एक ज्यादती देख रहा हूं जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। यह प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है, यह विपक्ष के साथ नाइंसाफी है, और मुझे लगता है इसका समाधान होना चाहिए। और शायद सबसे बड़ी बात जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए प्रधानमंत्री कि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, वो काम तो अमित शाह का है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जो पद होता है ना, वो राजनीतिक पद नहीं होता। मैं मानता हूं एक वो राजनीतिक पार्टी से आता है, मगर उसका काम, उसका बुनियादी काम जो होता है वो गवर्नेंस होता है, वो शासन होता है। मगर माफ कीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि हर तरफ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उनका बुनियादी काम जो है वो रैलीज को संबोधित करना हो गया है। आप बताइए, क्या ये बात सही है? क्या इन मुद्दों पर सवाल उठाना गलत है? क्योंकि इसमें नाजायज होने का एक भाव सामने उभर कर आता है, और न सिर्फ नाजायज होने का भाव बल्कि जैसे मैंने कहा ना कि देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी पब्लिसिटी में 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुका है। यह आंकड़ा खुद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया। और क्या आप जानते हैं कि यूपीए की सरकार ने 10 सालों में, अभी तो 4.5 सालों में इन्होंने 5,245 करोड़ खर्च कर दिए, मगर यूपीए की सरकार ने 10 सालों में 5,000 खर्च किया था। आपके पक्ष में टीवी चैनल्स हैं, आपके पक्ष में तो मूवीज बनाई जा रही हैं। अब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आ रही है, उसे आप प्रमोट कर रहे हैं, हाँ उसे आप प्रमोट कर रहे हैं, आपकी पार्टी उसे प्रमोट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टारगेट किया जाना है। एक और फिल्म आ रही है उड़ी, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक्स पर है। उड़ी के अंदर बाकायदा आपके चुनावी डायलॉग्स हैं, जो आपने चुनाव में रैलीज में आपने जो संवाद कहे थे वो है उसके अंदर बाकायदा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है। आपके पसंदीदा अभिनेता अक्षय कुमार, उनकी तो फिल्मों में बाकायदा आपको प्रमोट किया जाता है। टॉयलेट एक प्रेम कथा याद है आपको?
टॉयलेट एक प्रेम कथा में बाकायदा प्रधानमंत्री का नाम लेके कहा जाता है कि ये व्यक्ति देश के लिए इतना कुछ कर रहा है तो हम क्यों पीछे रहे। अरे कम से कम फिल्मों को तो गैर राजनीतिक बना दो, तो संचार माध्यमों पर आपका पूरा कब्जा, और दूसरी तरफ आप रैलीज कर रहे हैं, आप पर कोई अंकुश नहीं है, कोई आप पर रोक टोक नहीं है। चुनाव आयोग पूरी तरह से जो है उसने आंखों में पट्टी बांध ली है। ये तमाम मुद्दे हैं जो देश की जनता तक पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है, और यह आपके लिए भी बहुत जरूरी है जानना कि इस वक्त रिसोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो किस तरह की गैर वाजिब स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, बोल के लब आजाद है तेरे में, इसी तरह के मुद्दे आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मेरे आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही न्यूज़ क्लिक के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।